किशन और मोहन दो जिगरी दोस्त थे। दोनों ही साथ पले बड़े और साथ ही पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन स्कूल के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। मोहन, हम दोनों आज अलग हो रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 20 साल बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करके अलग हो जाते हैं। किशन दूसरे शहर में आगे की पढ़ाई करने चला जाता है तो मोहन अपने पिता के साथ उनकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। पिताजी, मैं भी किशन की तरह दूसरे शहर में पढ़ने जाना चाहता हूँ। उसके पिता एक शराबी इंसान थे। अरे बेटा, तू क्या करेगा शहर जाकर? अरे पढ़ाई करने के बाद किसी की ऑफिस में नौकरी है ना? अरे वो तुझसे ढेर सारा काम करवाएगा और बदले में 4 अठन्नी पकड़ा देगा। तू तो राजा है राजा, अपनी दुकान में बैठ बच्चा। पर पिताजी, ये गल्ला तोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इसी गल्ले को तोल तोल कर तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और आज तुझे ये गल्ला तोलना अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वो मोहन को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। मोहन को थप्पड़ से गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। एक दो दिन भूखा रहने के बाद मोहन को पिता की बात याद आती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद के लिए मेहनत करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हो? वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे घोड़ों की आवाज आती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जहां देखता है कि डाकू कैसे एक चादर फैलाते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के गहने डाल देते हैं। डाकुओं का सरदार बोलता है, चलो एक दिन मेहनत की, अब बाकी के महीने राजा बनकर गुजारेंगे। सारे जोर जोर से हंसकर वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा ही अच्छा बिजनेस है। फिर क्या था, मोहन ने छोटी मोटी चोरी का काम शुरू कर दिया। कभी किसी की चेन खींच लेता तो कभी किसी की पॉकेट मार लेता। उसे इस काम में मजा आने लगा। वाह, ये तो अच्छा काम है। पिताजी ठीक कहते थे, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, सारा वक्त पढ़ो फिर किसी और के लिए काम करो, और महीने के अंत में वो पकड़ा देगा 4 अठन्नी। ना बाबा ना। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मोहन जाना माना चोर बन जाता है। लोग उसके नाम से कांपते और कोई भी पुलिस वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता। सभी उसका चेहरा पहचानते, लेकिन वो कहां रहता है ये किसी को पता ना था। फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब मोहन को किशन से मिलने का दिन याद आता है। ओह, 20 साल बाद आज ही का दिन है जब मुझे अपने यार किशन से मिलना है। और फिर वो उस शहर में जाता है और चौराहे में खड़ा हो जाता है। काफी समय तक वो अपने दोस्त का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आता। मैं भी पागल हूँ, किसे 20 साल पहले की बात याद होगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो वहां से जाने लगता है कि तभी सामने 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मोहन को आश्चर्य होता है कि उन लोगों को मोहन का पता कैसे चला। अब सुनो, तुम लोगों ने अब मुझे पकड़ ही लिया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? उसमें से एक पुलिस वाला मोहन को एक लेटर देता है। मोहन लेटर खोलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त मोहन, मैं जानता था आज दुनिया यहाँ के वहां क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ मुझसे मिलने जरूर आओगे। आज मन था कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन फर्ज की दीवार सामने आ गई। 20 साल बाद तुम एक मुजरिम के रूप में मेरे सामने खड़े थे। माफ करना दोस्त, देश के प्रति मेरा फर्ज मेरी दोस्ती के आगे छोटा पड़ गया। मोहन की आंखों में अब आंसू थे। वो चुपचाप वहां हाथों में हथकड़ी बांधे चला जाता है।